ठीक तो है? आप लोग धंगड़ी नहीं आए? आए तो ठीक होकर गए भाई। जा करना है तो रात पे लाइव। जी जी इंशाल्लाह, अगर सोए नहीं तो, क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड है यार। अबुआ आए, अबुआ आए, ऐसे बोरे जैसे कोई सांता क्लॉज आ। सांता क्लॉज आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बाबा? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आप सुनाओ, आपका कैसा यहाँ पे वो हुआ प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह पापा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अनएक्सपेक्टेड पापा, आई थिंक 300-400 लोग थे, बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा लोग थे पापा। वो जो हॉल था ना, वो 200 लोगों को वो कर सकता था सिर्फ, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, तो फिर हमें बाहर मतलब आना पड़ा। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और माँ कैसी है? इस्मा कैसी है? आयुष कैसा है? मामा सो रही है, इस्मा इधर बैठी हुई है, आयुष गया है एटीएम पैसे ऐसे निकालने के लिए। ओके, आप कब आए लाइफ पे? मैं अभी अभी आया, बस थोड़ी सी अभी अभी ज्वाइन किया आप लोगों को। मैं सुबह था लाइफ पे संस्कार की, जब वो जब प्रोग्राम हो रहा था ना आप लोगों का। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जब था मैं वहाँ पे, वो मैं देख रहा था। फिर वो यूट्यूब, आपने यूट्यूब पे ऑन किया था, फिर मैंने अपने टीवी पे, फिर मैं अपने टीवी पे देख रहा था। फिनिश सिस्टर, जी जी हो गई। मीटअप अच्छा रहा माशाल्लाह। इतनी बड़ी नाक दिख रही यार। हेलो हेलो पापा, मैं ये कह रहा हूँ माशाल्लाह आपका मीटअप तो फैमिली मीटअप होता है ना? अब आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं क्यों। इस बार अपना नेट बंद कर दे। मैं क्यों नेट बंद कर दूं यार, मैं तो कुछ ज्यादा चला भी नहीं रही। ये मोटी इस्मा की वजह से हो रहा है। नहीं, मैं तो इतना टिकटॉक देख ही नहीं रही, मैं तो इंस्टा पे हूँ। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नहीं वाईफाई नहीं चल रहा। हेलो हेलो हेलो, मुझे आपको आ रही है मेरी? क्या हो क्या रहा है? अलीजे नेट इज स्लो, कुछ तो समीर दाई। अभी 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 तो हुआ ये। बाबा फिर से रिक्वेस्ट भेजिए। लगाया मेरा फोन चार्ज पर? I feel like हीटर खुल गया। मेरा फोन लगाया चार्ज पर? हाँ। इस्मा हाँ। क्या? इसको बंद कर, देख खुला है ये हीटर, खुला है, इसको बंद कर दे। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ठंडा तो हो नहीं रहा, गर्म हो रहा है। वाईफाई को तुमने क्या कर दिया यार? क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, कैसे चलेगा? हेलो हेलो जी, आप आवाज आ रही है? हेलो बाबा। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था, तमाम लोगों का, बटवाल के जितने लोग फैमिली आई थी और अयुजे जनता का, सबका शुक्रिया अदा करो बेटा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का स्वागत किया उन लोगों ने, और वेलकम किया आप लोगों को, रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, है ना। मैं भी जो है तमाम नेपाल के, अछाम के लोगों का, बटवाल के लोगों का, खटमंडों के लोगों का, और जहां जहां लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमारी फैमिली को इतनी इज्जत दी खटमंडों में, नेपाल में, पूरे नेपाल में, है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे मैं जो बोल रहा था, मेरी आवाज आ रही थी नहीं आ रही थी? आ रही थी बाबा, आ रही थी। ओके ओके ओके, सही है। चलो अच्छा हो गया माशाल्लाह, प्रोग्राम तो अच्छा था बहुत, और लोग भी माशाल्लाह अच्छे खासे आ गए थे, बहुत थे माशाल्लाह लोग।
लोग तो बहुत है पापा, बहुत दूर दूर से भी आए थे। अच्छा चलो अच्छी बात है बेटा। अभी आज दूर से आप भी लोग आए आज ट्रेवल थे करोगे या सुबह में ट्रेवल करोगे मॉर्निंग में? ना, आज कर सकते हैं ना सुबह कर सकते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं बाबा, क्या नदी में पानी भर जाते हैं। आई थिंक कल करेंगे, टाइमिंग बता देंगे पापा आपको। सही है। नदी में पानी भर जाता मतलब बीच, क्या बात समझ में नहीं आई? वो यहां से उधर काठमांडू जाते हुए एक नदी आती है, वो भर गई है, बुखारे के अच्छा। रास्ते में। बारिश हो रही है क्या? नहीं पापा, वो बर्फबारी होती है ना, तो वो पानी है ना, उसका पानी बहुत उसका तेज पानी। वो आता है पिघल कर बहुत स्पीड से। मेरे हालात ऐसे हैं। अबे अछाम अछाम से तो जो है, अछाम से तो जो है तुम लोगों की रुखसती जो है बड़ी खतरनाक थी यार। अरे पापा, इतना रोना आया कसम से। हाँ सब सैड हो गए, हाजुरामा भी सैड सैड थी। बहुत बहुत मेरा तो आज का व्लॉग इतना सैड सैड था। ओ फला, नहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पर पापा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पर। सही है। चलो अब तो मेरे ख्याल में तुम लोग थोड़ा सा दूर रह गए हो खटमंडों से। हाँ कितने, 12 12 घंटे शायद। इसमें बारह देख घंटे लोकेशन मैप पे, मुझे एंजाइटी हो रही है, कसम इज़मा को एंजाइटी हो रही से है। बहुत ट्रैवल हो गया, अब तो रोड ट्रैवल के नाम से तौबा है। नहीं इज्मा तुम तो बेटा आधे एक घंटे बात के अंदर। तो मैं, बट पापा रोड ट्रैवल हमें करना पड़ेगा जब भी आएंगे, पूछो क्यों। हाँ क्यों? उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। क्योंकि हमारी, हमें गाड़ी चाहिए होती है, हम अपना खुद जाते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कोई हमें हाँ करके नहीं दे करके रहा। नहीं दे रहा, मतलब हम किसी के उस पे नहीं है कि वो करेंगे एंड ऑल दैट, तो हम अपना खुद ही करते हैं ना, इसकी वजह से तो ये जरूरी है दैट्स पापा। बेटर ब्रो। अलीजा जरा पता तो करो बेटा वो अपने जो ड्राइवर दाई है कि जो उनके पास गाड़ी है उतनी, वो गाड़ी कितने की आती है नेपाल में? स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो जैसी कोई बड़ी गाड़ी, ये कितने की आती है? 4x4? नहीं, स्कॉर्पियो ही चलती है पापा ऐसे रास्तों पे, सब ओके ये यूज करते हैं, सब ये यूज करते हैं। मैं खरीदूंगा बेफिक्र रहे। 60 लाख, अच्छा सिक्सटी ओके लाख 60 लाख की है। हाँ मतलब 60 लाख मीन्स हो गए दुबई। हाँ ठीक है, दुबई के 2 लाख रुपया है। ठीक है, सही पर अच्छी बहुत है। है। मेरे हालात ऐसे हैं। एक लिख रहा है कोई 35 की भी आती है भाई, 35 लाख की। 35 लाख की आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस आयुष शुड हैव, आयुष दुबई में लेगा रेंज रोवर इंशाल्लाह। एक रेंज रोवर का तो कबाड़ा निकल गया। अब वो तुम्हारी अभी रेंज नहीं रोवर, बता रहा इनको, मैं हाँ मैं जाकर बता, हाँ हाँ बताऊंगी मैं बता रहा हूँ, एक रेंज रोवर का तो कबाड़ा निकल ही गया। इनको, पूरा दुबई में आकर पूरा बताऊंगी मैं। रेंज हाँ रोवर इज वापस लव, रेंज रोवर, ओ माय गॉड, ऑसम गाड़ी होती है यार रेंज रोवर तो। सही। इसमें मुझे यही बोली थी कि हमें जो है ना, मतलब ये फ्लाइट लेकर भी जा सकते थे कि वो, तो मैं इसमें को ये समझाई थी फ्लाइट लेकर जाकर क्या करते, हाथ पे हाथ रख के बैठे होते, मतलब देखो जा ही नहीं सकते कहीं पर। मैं समझाता हूँ इज्मा को। इज्मा को ये बात समझनी चाहिए कि खटमंडो एयरपोर्ट से आप दूसरे एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहां से एयरपोर्ट से उतर के आपको गाड़ी जो मिलती वो आपको घर छोड़ के चली जाती है ना। ये गाड़ी पूरी आपके साथ रही है, पूरा टाइम आपके साथ रही है। हाँ क्या आपने कहीं जाना है कहीं आना है? गर्मी गर्मी बहुत है यार। है हाँ गर्मी है पापा, इधर हर जगह ठंडी होती ना, बताओ, मतलब ऐसा नहीं इधर है, हर जगह ठंडी है पापा, नेपाल में भी गर्मी अच्छा ठंड, गर्मी ठंड। अच्छा
मतलब ये सेम लुम्बिनी जैसा वेदर है, सुबह गर्मी इतनी गंदी और फिर ओके ठंड रात। अबे तो वो मतलब दुबई हो गया ना। दुबई दुबई याद आ गया सच्ची में। अच्छा, मतलब ये नेपाल का बटवाल जो जगह है ये मतलब गर्म जगह है ये। अच्छा हम भी ऐसे ही था, अच्छा। लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी। अच्छा हमें हाँ, लुम्बिनी के करीब है। ओ मैं तभी कह रही थी ना लुम्बिनी वाइब्स आ रही है। तभी तभी हाँ, इस बार ने बोला लुम्बिनी की तरह आएंगे। लुम्बिनी तो हमें बहुत गर्म इंडिया लगा की था। नजदीक भी है। ओ वाह, इसमें को छुड़ाते हैं इंडिया। मुन्नी रेडी, मुन्नी रेडी है। हाँ इसमें को तो बहुत शौक है इंडिया जाने का मुझे यार। बहुत ये शौक अभी है। अभी जहां तुम लोग रुके हो ना, इधर भी और जहां तुम पहले पहले रुके थे वहां से गोरखपुर करीब है इंडिया का। गाइस 1 मिलियन करो यार। गाइस टाइप नहीं हुए तुम्हारे, जाओ यार अभी मैं लाइफ होती मेरे हो जाते। मैं 1 मिलियन यार, ये मेरी बेइज्जती करी है यार। हाँ कभी तो 2 मिलियन हो जाते। पापा सब यस यस लिख रहे हैं गोरखपुर। मेरी हाला अबू गिफ्ट्स भी आए, मैं आयुष आएगा फिर खोलूंगी। अच्छा चलो, बहुत चल रहा बेटा। गिफ्ट्स की वैल्यू नहीं होती है, जो मोहब्बत मिली है ना उसकी वैल्यू है बेटा। गिफ्ट की वैल्यू नहीं होती है। बेशक थैंक यू तुलदाई, बेशक। अबे तुझे नहीं दिया, मुझे दिया है। हाँ तो मैं तुम्हें थैंक यू। थैंक यू तूल, थैंक यू वेरी मच। अरे वो तुम लोगों का एक प्रोग्राम भी हो रहा है ना, वो अयूर जनता का, वो कब प्रोग्राम होगा? उसका आयुष को पता है अच्छे से ज्यादा। अच्छा, वो ऑडिशन चल रहे ना, पता नहीं ऑडिशंस है या वो पता नहीं कब प्रोग्राम है वो। उसके अंदर जो है मैं भी जाऊंगा। वो एक एक बच्ची आई थी ना अली इजमा के उस पे गेस्ट पे, उसके हमने 1000 करवाए थे फॉलोवर। वो अच्छा उसमें पार्टिसिपेट कर रही है मेरे ख्याल में, बच्ची लड़की। वो या तो पार्टिसिपेट कर रही है या जज है, मुझे नहीं मालूम है। वाह। तो पापा आप भी सिंगिंग टैलेंट शो करोगे अपना मैं सिंगिंग टैलेंट शो नहीं करूंगा फाइनल मैं। 30 दिसंबर हाँ, जज। मैं ज्यूरी से ऊपर का जज हूं, जो जो है तो फाइनल डिसीजन लेगा। अबे मैं मजाक करता हूँ भाई। वो मुझे जिसने प्रोग्राम अरेंज किया वो बोलेगा ये कौन है भाई। मैं ऐसे नहीं नहीं मतलब तुलदाई मैं जो है मैं ऐसी गेस्ट पे जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। पापा पापा है वो क्या बोलते हैं, देखने के लिए जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो जज है पापा। कौन वो लड़की? हाँ हाँ, अच्छा, सही है सही है। वो उसने उसने कहा मुझको, ललित ने कहा कि अबू जी इसके 1000 नहीं है तो इसके 1000 हो जाएंगे। तो फिर हमने उसको गेस्ट पे लिया। उसके मेरे ख्याल में उस वक्त 600 समथिंग थे, फिर वो गेस्ट पे बैठी, माशाल्लाह 1000 हो गए। हैं, पता कौन सी नहीं, मुझे तो नाम नहीं पता उस बच्ची का। पापा जी स्पेशल गेस्ट है, सब लिख रहे कैमरा और तो बस यही है ना। देखो ऑन अब्बू जी। अब पापा का अकाउंट प्राइवेट है गाइस, मैं नहीं हो बेटा कैमरा सकता। ऑन नहीं कर सकता हूँ। गाइस प्लीज यार मेरे अम्मी अब्बू को ये टिकटॉक से दूर ही रखो यार, ये तब बुरा लगता है ना, वो जैसे दूसरों की अम्माएं बना रही होती हैं ये वीडियो, बहुत बुरा वो लगता तो है अभी मुझे। हम लोग दूर हैं तो पापा गेस्ट वगैरह पे, वरना अब्बू को हाँ भी नहीं अब्बू पसंद। को तो गेस्ट पे हाँ, नहीं इतना थोड़ा मैं सा दूर है तो बेटा इमेजिन मैं वीडियोस इसमें नो मेरे वे हालात हैं। और लाइफ में बीटा नो यार, दिस इज सो बैड। मैं भी फिर कहूंगा कप्सु कप्सु शिद्दो शिद्दो। अल्लाह ना करे भाई। अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे भाई ऐसा। और क्या है, हमारे बच्चे जो है बस ये हम मैं एक्चुअल जो है मैं अपनी अयूजे जनता का दिल बड़ा करता हूँ यार, बस और कोई भी बात नहीं है। मेरी अयूजे जनता जो है ना, वो मैं जहां पर जाता हूँ वहां पर जो है भीड़ लगती है माशाल्लाह से। मैं गेस्ट पे ही जाता हूँ, और एक उसके गेस्ट पे जाता हूँ मैं,
क्या नाम है उस बच्ची का यार, वो मुझे बाबा बोलती है, ना। वो कुवैत में कौन? नाम नहीं पता यार, अभी तो नाम ही नहीं आ रहा मेरे जहन में। सबिता दीदी। हाँ, वो बच्ची ओके वो कुवैत में है, वो बहुत कहती है कि अब्बू जी मेरे तो अब्बू जी नहीं है। अरे मेरे मैंने बोला बेटा मैं हूँ तुम्हारा अब्बू जी, मुझे मुझे बोला करो, कोई बात हो कोई मसला नहीं है मेरा बच्चा। अब आप जब आओगे ना नेपाल कस्टम से, हमसे ज्यादा आपको लोग पसंद करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं। अबे चलो, तुम लोग तो इन लोगों से मिलते नहीं हो सही तरीके से, गार्ड मार्ड लेके जाते हो। मैं जाऊंगा सबसे मिलूंगा, रोड पे खड़ा होकर के मिला करूंगा सबसे। अब की दफा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आऊंगा ना, तो मैं तो गाड़ी खुद लूंगा भाई, गाड़ी चलाऊंगा खुद ही। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है कोई और चलाए गाड़ी, मैं तो गाड़ी चला के मजे से पूरा। मैं तो तुम लोग लेकिन तो मतलब मतलब खतरनाक रोड्स पे नहीं चला सकते। चला सकते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है इनका रूट मैप जो है ना वो बहुत शानदार है, आप चेक करो इनका मैप जो है, जीपीएस सिस्टम बहुत अच्छा है नेपाल का। देखा इसकी वजह से क्या कहते हैं, टूरिस्ट की वजह से। दूसरी बात के अभी ना आप लोगों ने बहुत सारी जगहों को मिस किया है। यू नो आई फील लाइक कि अगर तुम गाड़ी चलाओगी, बिकॉज तुम दुबई में 7 साल, कितने साल से चला रही हो भाई? 18 की जब से ही चला रही हो सत्रह ना, बहुत 17 की जब से गाड़ी चला रही हो, बिकॉज तुम्हें आदत है स्ट्रेट रोड्स की। तुम चलाओगी तो खाई में जाएगी, बिकॉज इतने टर्न नहीं बंदा ले लेके थक जाए यार। नहीं मैं आगे बैठी थी ना, भाई को हटा करके मैं बैठूंगी, मुझे इतना ऐसा फील हो रहा था, उल्टी मुझे आ रही थी। ऑटोमेटिक गाड़ी दोगे तो मैं चला लूंगी, पापा को तो मैनुअल पसंद है। गाड़ी यहाँ पे ऑटोमेटिक भी गाड़ी है बेटा नेपाल हाँ में। है पापा, हाँ, पर तुमने एक वीडियो भी नहीं बनाई गाड़ी में बैठ के। ये आगे बैठने दे तो ना। मैं आर्यन भाई पापा, लेकिन कहाँ से मैं गाड़ी में वीडियो बनाऊं? उतार के ड्राइवर दाई को बोलो उतरो 1 मिनट के लिए, 2 चक्कर लगा लो, ऐसे ही गाड़ी वीडियो बना लो। ठीक है, सही है, इंशाल्लाह। ट्रैवल तो खत्म हो, हाँ ट्रैवल ही बंदा खत्म नहीं होता बंदा। यार। बहरी आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बस थोड़ी गर्मी है लेकिन बहुत अच्छा है। तो आप क्या वेलकम कहते हैं, सुल्तान। आप लोग कहीं बाहर बाहर जाओगे अभी? नहीं अब्बू, आज तो हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं। हम लोग सुबह निकले थे पापा अराउंड 5 o'clock, 6 o'clock, ठीक है? उसके बाद हमने कंटिन्यू सफर किया, कहीं पे खाने के लिए भी नहीं रुके पापा। और यहाँ पर आकर मतलब इतने ज्यादा लोग थे। पहले हम लोग होटल के अंदर आए, फिर सब लोगों से बोला कि हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद आते हैं सबसे मिलते ना। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम मिलने के लिए गए पापा। आई थिंक खाना खाने के बाद जो मैं गई हूँ ना धूप में, उसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग हो गई। मुझे दो दो बार वॉमिटिंग हुई, तो मैं तो ऊपर आ गई, मैं तो ऊपर आ गई। उसके बाद आए मम्मी और इजमा भी साथ ही आए मेरे। उसके बाद आधे आधे 1 घंटे तक आयुष भी आ गया। सही। फिर अभी कुछ लोग आए थे तो उनसे मिले हम लोग, और फिर आयुष अभी एटीएम गया। ठीक है, सही है। गर्मी है ना बेटा, दरअसल एटमॉस्फेयर चेंज हुआ ना एकदम, आपको वो होगी, पर शाम में मौसम ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही है। शाम में मौसम ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। चलो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोग आप तो साथ मेरी में। लाइफ देख रहे जी बेटा, थे, आप मेरी लाइफ देख रहे थे। हाँ यूट्यूब पे ना, वो टीवी पे लगाया हुआ था ना बेटा, हाँ टीवी पे वही तो लगाया। मैंने सोचा कि मैं जो है मतलब लाइव जाती हूँ ताकि सब देखें। हाँ बेटा, उसके अंदर वो मेरे ख्याल में 3-1 हजार लोग तो थे माशाल्लाह। पता नहीं कितने थे। हाँ 3,000 समथिंग थे वो उसके अंदर लोग। और क्या कहते हैं, अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अच्छा रहा माशाल्लाह आप लोगों का। ये देखिए जनाब अली, आपके उसी लाइफ के ऊपर जो है अभी बेटा 44K व्यूज हो गए। हाँ माशाल्लाह इतनी जल्दी।
आज तो हमें सोचा करनी पड़ गई, मामा नहीं थे वरने स्पॉन्सरशिप तो मामा की है। मामा की है हाँ। मम्मा से हर कोई ब्लॉगिंग मामा लाइव। यार ये मुझे एक बात तो बता दो यार, ये फॉर यू पे चलने का फार्मूला क्या है? फॉर यू पे चलने का फार्मूला? पापा ये एक फॉर्मूला है जो मैं नहीं बता सकती, मैं रिवील नहीं करना चाहती। यार ये गलत बात है, क्या करें पापा, ऐसे थोड़ी ही होता है। अब हर किसी को बता दूं मैं ये फॉर्मूला? मैं बता दूं है? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आयुष की वजह से नहीं है, ये अलीदे की वजह से नहीं है, ये इज्मा की वजह से नहीं है, ये इनकी माँ की वजह से नहीं है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अयूज़े जनता की वजह से है। हमारी अयूज़े जनता इज मोर पावरफुल है ना, ये उठा के ऊपर फेंकती है फॉर यू पे है ना। तो जब ये फेंकती है फॉर यू पे तो इसको कोई गिरने नहीं देता, एक के बाद एक पकड़ता है, एक के बाद एक पकड़ता है, एक के बाद एक पकड़ता है ना। तो ये हमारी अयूज़े जनता को क्रेडिट जाता है। सही सही है ना? कोर्स ये फॉर्मूला, अब ये ऐसा फॉर्मूला है पप्पा के ना बना सकते हो ना खुद कर सकते हो, किसी के दिल में ना पप्पा खुद से प्यार नहीं डाल सकते आप, देखो मतलब फोर्सफुली नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चंद चीजें होती हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती हैं। आप किसी का रिस्क बंद नहीं कर सकते। रोटी हमेशा ऊपर वाले की तरफ से मिलती है, दाना पानी ऊपर वाले की तरफ से, इसी तरीके से इज्जत और जिल्लत ये भी ऊपर वाले के इख्तियार में है बेटा है ना। जब ऊपर वाला चाहता है जिसको इज्जत दिलवाना तो वो अल्लाह ताला 1,00,000 दरवाजे भी बंद हो ना तो इज्जत सारे दरवाजे तोड़ के आपके पास पहुंचेगी है ना। बस हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा कभी भी बेटा कोशिश करनी चाहिए इंसान को अपना ज़र्फ, और आदमी जो है बेटा मिडल रहे, मिडल में है ना, मतलब कोई गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए है ना, कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास शोहरत है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, नथिंग है ना, कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं है हमारा है ना, सब कुछ यही रह जाएगा दुनिया में बेटा है ना, हमारा कुछ भी नहीं है। तो बस इंसान को जो है ना बेटा हमेशा यही ख्याल करना चाहिए कि आप जो है, और इंसान जब आप किसी और को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी बेटा है ना। आप देख लो बेटा ये है कि आप जितनी गिव एंड टेक है, रिस्पेक्ट जितनी दोगे उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट लोगे है ना। आप सोच सकती थी कि नेपाल के अंदर आपको ऐसा वो मिलेगा वेलकम, कि आपका एक वेलकम नहीं हो रहा, आप जहां जाते हो माशाल्लाह लोग आपके साथ किस तरीके से मिलते हैं माशाल्लाह। क्या अच्छा किया मैंने कसम से, मुझे लगता है मुझे आप लोगों की दुआएं लगी हैं कसम से। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला आपको और खुश रखे, आप सबको, आयुष को, आपको, इज्मा को, मेरा बेटा देखो ये बात होती है, बच्चे जितने ताबेदार होंगे ना, जितने फर्मा बरदार होंगे तो माँ बाप के दिल से उनके लिए हमेशा दुआ ही निकलेगी बेटा है ना। और दुआ जो है माँ बाप की दुआ, माँ बाप को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को भी, मैं पूरे आयुष जनता को भी कहता हूँ कि बेटा अपने अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो है ना, वो कभी गुस्सा भी करें, कभी हाइपर भी हो तो इग्नोर करो, माँ बाप है बेटा है ना, इज्जत करो उनकी, सुन लो उनकी बात को, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता है, हमेशा बड़ों की इज्जत करो बेटा, अपने माँ बाप की बात सुनो, अपने माँ बाप का कहना मानो, उनकी इज्जत करो बेटा, उनका ख्याल रखो,
कोई बीमार हो तो उनकी दवाइयों का ख्याल रखो, है ना बेटा। कोई किसी चीज की जरूरत हो माँ बाप को तो कोशिश करो कि अपनी जरूरत पीछे करो, अपने माँ बाप बेशक। अभी देखो क्या कहते हैं, ये जगह, ये इलाका बड़ा है क्या या छोटा है ये सिटी? पता नहीं पापा, आपको अंदाजा नहीं हुआ? आप लोग इंटरव्यू हो गए ना बेटा? मुझे तो बड़ा ही लगा। नहीं, बटवाल बहुत बड़ा बड़ा है एरिया है यार, पापा। अच्छा एरिया। अभी इंशाल्लाह ताला आप लोग आ रहे हैं ना तो आप लोगों का दुबई में भी मीटअप रखूंगा। यस, होना चाहिए। हाँ, मैं दुबई में मीटअप रखूंगा इंशाल्लाह ताला, और दुबई के अंदर भी ऐसे ही मीटअप रखूंगा जैसा हम लोगों ने वहां पे किया ना, खटमंडों में, ये बतवाल में, इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला इधर भी करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक लड़का यस है दुबई में, मेरे ख्याल में नाम नहीं पता मुझे उस बच्चे का, तो उसको लो आप लोग जरा प्लीज किसी दिन उस पे ब्रॉड पे अपनी, तो फिर उस बच्चे से बात करेंगे कि हैं। गुरुंगदाई, शामिल गुरुंगदाई। हाँ वो ही है आई थिंक, है ना। तो वो जो है फिर उसके साथ बात करके ना फिर उसके लिए देखते हैं कौन सी जगह, इसलिए कि वो देखेंगे कि हम लोगों को अलकूस सूट करता है या बारदुबई सूट करता है, कहाँ पे मतलब और सुनो अच्छा ना रहे है। पापा, इंटरनेशनल सिटी पे आग लगी। हाँ बेटा, इंटरनेशनल सिटी के अंदर आग लग गई। ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं बेटा, पर लोग जो है ना बेचारे पाइपलाइनों से लटक लटक के उतरे हैं नीचे। पाइपलाइन ऊपर से जाती है। जी, अभी क्या कहते हैं वो, मैं वही कहता हूं कि हम लोग देखते हैं कि कहां पर लोग जो है हमारे अयूजे जनता के कहां पर ज्यादा है दुबई में, फिर इंशाल्लाह ताला सातों स्टेट में करेंगे। इंशाल्लाह। सबसे पहले दुबई, उसके बाद शारजा, उसके बाद अजमान, उसके बाद रासुल खेमा, उसके बाद फुजेरा, और उसके बाद उम्मुल कोई, और अलेन भी, है ना, सब जगह करेंगे, अबू धाबी भी। जी इंशाल्लाह। इसलिए कि यहां से ठीक है भी पापा, बहुत मैं लोग बस, निकले। पापा मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, ओके फिर आयुष आती। आयुष गया यार, कुछ खा। मैं तो, मुझे दिल चाहे चाय पीने का कसम से। चलो ठीक है बेटा, ओके ओके। ओके अब्बू, अल्लाह हाफिज। इमरान खान जिंदाबाद। वाह भी, इधर किसी ने लिखा था कि आई वॉन्ट टू टॉक टू योर डैड। मैं सिर्फ आयुष जनता से बात करवाती हूँ बाबा की। मैं आपको फर्स्ट टाइम इधर देख रही हूँ। आपका लादा लेको फर अबू धाबी। यस, मेरी आँख क्यों दुख रही है यार? लेंस की वजह से मेरे ख्याल से। लेंस उतारती हूँ मैं अभी। आंखों में भी थकावट लग रही है, ऐसे ऐसी हो रही है, वही जैसे तो कसम से किसी ने है। ना यहाँ से न, जैसे वेन्स है ना, मतलब ऐसे खिंच गई हो, ऐसा फील हो रहा है। बातें देखो उसकी। गाइस एक मैच लगाएं फिर जाएं। आज बहुत धूप थी और आई फील लाइक मैं टैन होंगे। हाँ गाइस एक मैच लगाएं जाएं, कोई लड़की मिले ना मुझे। यस, सैड हो आप? नहीं, मैं टायर्ड हूँ। आई साउंड बराबर नहीं आ रहा क्यों? वी लव यू ऑलवेज स्प्लैश। नो न्यूज़ टुडे।
ये बार किसकी शादी हो रही है यार, इतने इतने सैड गाने लगाए बेचारों ने यार, क्या हो गया, शादी है क्या है? मेरी शादी पर अगर किसी ने ऐसे गाने लगाए ना, अरे गाइस आजकल तो सब नेपाल आ रही है यार। अब कौन आ गया? नहीं फिर है एक, दिखाऊंगी तुम्हें, लड़की लड़का? हर कोई यार। हम लोगों ने टूरिज्म बढ़ा दिया। और गाइस वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो फेक सलमान खान है चोर बाजार का, रत्ना पार्क का सलमान खान, उसको फिर से मिर्चे लग रही है यहाँ बहुत ज्यादा। इस बार उसको ऐसी रिपोर्ट करो कि उसकी आईडी जानी चाहिए, शैडो बैन वैडो बैन का सीन मत करो, ठीक है? आईडी जानी चाहिए उसकी, सब इसी तरीके से, मतलब एक ही ऑप्शन पे वो करो, रिपोर्ट करो। वो रत्ना पार्क के सलमान खान की बहुत वो लग रही है आजकल, बहुत उछल रहा है वो भी। और मैं उस रत्ना पार्क के सलमान खान को बताना चाहती हूँ कि आयुष के पास भी यूएई का रेजिडेंस कार्ड आ गया है, तो आयुष भी केस कर सकता है। जाना है अपने क्या बोलते हैं बेटे के पास इंडिया, जाना है तो बोल दो। वैसे भी तुम्हारा केस हमने लिया नहीं है वापस, चल रही है इंक्वायरी, तुम फिर तुम्हारे अरबाब भी तुम्हें लात मार के निकालेंगे। मुझे समझ में नहीं आती, हंसी खुशी अपना काम करो, एक बार तुमने मतलब तुम अपने आप को नमाजी परहेजगार भी दिखा रहे हो, फिर तुम्हें ये हरकतें भी करनी है। नमाज की परहेजगार दिखाने की बात नहीं है, वो तो हर कोई होता है। छी थू थूकू मी नाम है ऐसे बंदे पे तो। छी छी, बेचारा बेटा समझता होगा मेरा बाप इतना अच्छा है, इज्जत से जो है काम कर रहा है ये वो, और इसका बाप यहाँ पे देखे। आई से चिंता, एक एक करके सब उसके पीछे लगो। हाँ इस बार आईडी जानी चाहिए, आईडी अगर ना भी जाए लेकिन इतनी कम कर दो जैसे पहले शैडो बैन हुआ था ना, 4 महीने वैसे के अंदर बता करो, दो। ठीक है? ये वाला गाना मुझे थोड़ा उसको सा बैन पसंद कर है। देंगे, करो ना। व्हाट्स द आईडी? 5,000 लोग देख रहे हैं यार मुझे, फेमस करो मुझे। क्ले देखती हूँ कोई मिल जाए मुझे। आप अभी कहाँ पर हो? मैं बुतवाल बुतौल बुतौल होता ना है, बुतौल बुतौल। When are you coming back to Dubai? Inshallah soon. गलत गलत बोला, अभी सबको बोलो मुझे मेरे यार यहाँ से मुझे एटलीस्ट एटलीस्ट अभी तो बहुत थैंक बंदे यू ने कहा इन्होंने कि नाइमा। मुझे 90 मिलियन लाइक्स करना है। कितने करने? 90 मिलियन सबको बोलो, तुम बोलोगे तो होगा। 90 मिलियन हाँ अभी तो टाइम है लेकिन स्टिल गाइस, 34 इसमें होने वाले, एटी गाइस इसमें फोर के 84 मिलियन होने वाले, 90 मिलियन कर दो यार लाइक्स लाइक्स, 90 मिलियन लाइक्स कर दो, सब जाके लाइक करेंगे, हो जाएगा यार, अभी हो होने वाला है बस 84। जाएगा। मैं स्टोरी पे लगा रही हूँ अपनी आज। फुटबॉल कौन सी जगह में? आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते? मैंने तो पूरी लोकेशन भी लगाई है। यार गाइस इंस्टाग्राम पे आई से भी जनता मुझे थोड़ा कोई मिल नहीं रहा यार। गाइस आर यू लाइकिंग द पेज आई क्रिएटेड?
ऑफिशियल आयुष जनता का, मैंने इतने दिनों से उसको देखा भी नहीं है यार. वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड लाइक फ्रॉम यूनी, हर नेम इज मरियम, शी इज हैंडलिंग. सो यू गाइस आर लाइकिंग इट? अच्छा है ना, अब सब साथ हो गए. जो जो फैन पेजेस हैं, जो जो आना चाहते हैं ना, टेक्स्ट करना उधर. यस गुड, मस्त मस्त सी एडिट्स रोज बनाया करो, ठीक है? अच्छी अच्छी कोई है ही नहीं, किसके साथ खेलूं यार. सरीना आपको ऐड किया है उस पेज ने? अस्सलाम वालेकुम बहरी नानी, इंशाल्लाह जल्दी मीटअप होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. रैंकिंग से लो ताकि हारूं. रुके लिखती हूँ. करंटली को होस्टिंग. उई इसका तो लेवल 49 है, नॉट अवेलेबल. कोई लड़का नहीं हो ना, मुझे लड़के के साथ नहीं खेलना. नो यू विल विन. अच्छा दिखती हूँ. किसके साथ खेलूं यार, कोई दिख ही नहीं रहा. निक्की कौन है? अलीजे, आयुष खोई, ये कौन है? ये कौन है? हमारी डीपी लगाई हुई है. थैंक यू दिल दिल पाकिस्तान, वो तो अभी भी लगता है. 145 के होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह से. वाओ अमेजिंग. एंड यूट्यूब पे माशाल्लाह से 164, मतलब 165 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट हो गए. लुक क्या है ये? मेरा यूट्यूब. आई ओनली नीड 789, मतलब 300. 165 के लिए? हाँ 300 चाहिए सिर्फ सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह. गाइस मेरे ऊपर लाइफ पे लिखा रहा है पॉपुलर लाइफ. ये मेरे ब्लॉग आज क्यों नहीं देखा किसी ने? लगता है मैंने स्टोरी नहीं डाली, भूल गई मैं. स्टोरी डालना भूल क्यों जाती हूँ यार मैं? नहीं देखी ना, ना स्टोरी नहीं डाली. किसके साथ? इस बार कोई है ही नहीं यार, मुझे कोई मिल नहीं रहा. माय गॉड दे लुक सो क्यूट. इसे मेरा फोर्थ हैंड मोबाइल उठा के लेकर कहानी सुनूंगी. एक सेकेंड. हे मस्तकली मस्तकली, हे थैंक यू. मसकली मसकली मटक. इधर ऐसे लगाते ना तो फिर वो खुद ही चला जाएगा. ऐसे लगाती हूँ मैं, खुद लेगा ये लोगों को. ओके क्विक क्विक इनवाइट्स, जल्दी लेकर फोन. हाँ गाइस आयुष के भी 400 के करो यार. तुसी तो मेरा मुखड़ा देखने के बाद आयुष के व्लॉग्स ही नहीं देखते हो, कष्ट तो. क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं है ना, ये मेरा पेज है. बड़ा ही कोई स्टूपिड रवि. नहीं यार इज़्ज़ो को भी दिखाओ. आओ इधर, बाद में आती हूँ. सेकंड ईयर. हाय लव फ्रॉम चितवन. थैंक यू. कोई तो आ जाए यार. नॉट अवेलेबल गाइस, कोई अवेलेबल नहीं है और मैंने लोगों को ऐड भी नहीं किया यार. दुबई जाके ऐड करना. Thank you.
इज्जू क्यों नो लाइफ, इज्जू तुम आज के लाइफ की नहीं जा रही, टाइम मिलता है तुम्हारे सामने तो इज्जू को टाइम ही नहीं मिलता, बोलती है बातें। लव फ्रॉम बटवाल, थैंक यू। व्हाई आर यू सैड? नहीं यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी भी ऐसे सैड नहीं होती। नेपाली गीत गाऊं नू? सैड नहीं, बहुत टायर्ड है, बहुत ज्यादा। थैंक यू नायमा मेरी शहजादी। व्हाट्स गोइंग ऑन? नो वन इज रिसीविंग, पता नहीं क्यों। हाँ गाइस, आयुष एक ऑफिशियल वो आना चाहिए ना, एक सॉन्ग मेरे साथ। यस, नेपाली गीत गाऊं नू? गेजमा मोटी मेरा फोर्थ हैंड मोबाइल उठाकर नहीं दे रही। अरे यार मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि सबर पकड़ो जरा, मेरी स्टोरी नहीं डल रही है। उठा कर दे तो मैं गाऊंगी। ATM गया है, ATM गया है आयुष, मैं वो गाऊंगी, वो भूले दे क्या तिम्रो मुस्कान, पता नहीं कितना अच्छा था सॉन्ग यार, मैं भूल गई, भूले दे। कल मैं आयुष को देख देख के भी गा रही थी और मैं उसको सुना भी रही थी। हाँ सरीना, हाय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, हाय। इम्मी जल्दी भागते हुए जाओ, दौड़ते हुए आओ। चिट्टो चिट्टो चिट्टो, मैं गाऊंगी अभी ये गाना, भूले दे क्या था ये गाना गाइस, इस गाने का नाम क्या है, क्या है रिपोर्टर टेक, नहीं 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 प्रॉब्लम कहाँ से आई है, इस गाने का नाम क्या है, इस गाने का नाम क्या है, तिम्रो प्रतीक्षा। तिमी सो सो क्यूट हो, थैंक यू। फोन एकदम ही कोमा में गयो यार, नेट भी गाओ। अच्छे से ओके ओके, नहीं ये वाली नहीं आती मुझे। मुझे हंसी आ रही ओके, हंसो मत, उधर मुंह करो, सब सब उधर उधर मुंह करो, मुझे हंसी आ रही है, उधर मुंह करो, मुंडी घुमाओ अपनी अपनी, उधर मुंह करो, मुझे हंसी आ रही है ओके उधर मुंह करो ना, कर दिया ओके मेरो सारा माया तिमीलाई नै छ, तिम्रो मुस्कान महराई सके,
खुशी जो तिम्रो साथ पायरा ना छोड़नू है यो हाथ केले। तो भूली दी यो भूली दी उलो भूली दी लोलो भूली दी लो यो संसार तिमी नहीं भए तिमी मुस्कुराओ मन मेरा। क्यों हंस रही हो आप? सोते हुए सब बंदे को उठा दिया किधर फरंग नहीं होती सुनूंगी पहले चुप हाथ खेले भूली दियोला भूली दियोला यो संसार तिमी नाई भाई तिमी मुस्कुराओ दो मन मेरा ताली पर नहीं कसरी बेटा गरु तिमीले माया के मुस्कुरा दो मन मेरो ताली नहीं पाई खसारी बैक तर गुण गाया छ बनी तिमी हाँस दिनु है मेरो छाउ आउँदै बस रहनु जुदै तिम्रो प्रतीक्षा जबकि गाड़ी में लगा होता है ना और मैं गा रही होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक गा रही हूँ तभी आयुष मुझे साइड आई दे रहा होता है ये बोल क्या रही है स्टॉप स्टॉप ओके व्हाटएवर मुझे तो एक ही अच्छा लगता है कौन सा मेरी माया डल्ली डल्ली मेरी माया डल्ली डल्ली हल्ली हल्ली मेरी माया कनखरा को गचरचा गल्ली गल्ली मेरो माया फोर्थ हैंड हो गई ओ मेरो माया डल्ली डल्ली मेरी मायो कनखरा एकदम जल्ली जल्ली तिमी संगे भी बहुत अच्छा तिमी संगे करने पर क्या ये तो है चुप कर इस्मा ना गाइस इस्मा हमारी है ही नहीं पता है इस्मा का बहुत मसला हो रहा है इस्मा इस्मा का बहुत ही बुरी इस्मा है पता है इस्मा सरीना इस्मा को इधर से बेदखल कर दो यार इन बचवाल जी जी 1 मिलियन एक मिनट मैं थोड़ा बेहोश होके आता हूँ लो बेहोश हो तो सो के मेबी मुंह पे छपका मार के छी छी तबा 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 क्या क्या बोलती है इसमें चुम सम को डारी में ये क्या था यार ये तो ज्यादा ही नहीं ऑफ कोर्स चुम सम को डारी में तुम्हरो में लाइट नहीं मिली पता है एक होरो माया मुझे सबसे अच्छा लगता है एक होरो माया लाइक बिल्कुल फील में चल जाती हूँ ब्रेकअप नहीं हुआ हुआ है मेरा अल्लाह ना करे कभी हो लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे मतलब ब्रेकअप हो गया मेरा इतना फील में मैं जाती हूँ एक होरो माया मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है एक होरो माया मुझे यस आई जस्ट लव इट मुझे भी एक होरो माया बहुत अच्छा लगता है सेम वाला सेम मुझे भी खोर माया बहुत लगता है लुक कितना अच्छा है गाइस हमारा एक खोर माया भी हैशटैग #1 पे गया था ना गाइस हमारा एक खोर #1 भी हैशटैग #1 पे गया था ना अरिजा डू यू फुली अंडरस्टैंड नेपाली नाइमा लाइक जब बात कर रहे होते ना तो मुझे ऑलमोस्ट बात समझ में आ जाती है हाँ कि हाँ इस तरीके की बात हो रही है पहले नहीं आती थी लेकिन अब तो हाँ आ जाती है
हाँ हैशटैग #1 पे क्या था? मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये बंदा मेरा बंदा है यार, कसम से। देखो क्या नसीब है यार, मतलब ओ माय गॉड, होंट देखो होंट। जूम हो सकता है कि नहीं? So I asked him na ki tumne ye song kyun likha tha, to he was like, I was like, my love is one sided and you don't love me and all that stuff. We had a fight na, I think. To isne ye gana tab likha tha. And I was like, pagal. Kas to है, 7 मिलियन होने वाला है यूसी पे, कसम से, कसम आने को। 7 मिलियन? हाँ गाने पे। 7 मिलियन क्यों, अभी कितने हैं? देखते हैं। कहाँ यार? हाँ नहीं आयुष के, हाँ सात समंदर पे 7 मिलियन होने वाले हैं गाइस, लेट्स गो। फर्स्ट सॉन्ग तो आयुष का ऑसम था यार, कसम से, उससे भी मैं लड़ी थी, लड़की है। कितना फाइट बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कितना लड़ते थे यार हम, कितना लड़ते थे, अभी भी हम जो लड़े थे, लेकिन फिर ठीक, अब जो हमारी लड़ाई होती है हम पूरी ठीक हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नजर बच्चे महफूज रखना, आमीन। फर्स्ट सॉन्ग भी बहुत प्यारा है आयुष का। देखो आयुष इसमें कितना छोटा छोटा लग रहा है ना, लाइक आयुष का मस्त ग्लो अप हुआ है यार, ऑसम ग्लो अप हुआ है आयुष का, माशाल्लाह माशाल्लाह। थू 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 जब ये गाना हुआ था मैंने कितना इसको बोला था, कितना मस्त क्या था तुमने ई बदला। आप लोगों ने मामा का वो देखा है व्लॉग, उस दिन हमसे कोई मिलने के लिए आया था, उसने आयुष को क्या क्या बोल के गया, ई बदला। देखा थी आपको, इतना वो फनी था, योर रिएक्शन वाज फनी टू। कहाँ यार, जिस दिन मैंने साड़ी पहनी थी यार, किस दिन मैंने साड़ी पहनी थी, मामा बाबू नानी को लास्ट डे। अच्छा नहीं नहीं ये भी नहीं, ये देखो क्या आयुष से मिलने के लिए आया था, तेरी बुढ़ी बंदा मेरी बुढ़ी चौक।
आयुष से पिक्चर क्लिक करवा के ही वाज लाइक ई बादल आई लाइक जरा बता मुझे इतनी हंसे आयुष भी हंसने लगे थे कि क्या हुआ दिखाती यार होना चाहिए इसमें बहुत फनी था यार ये वाला पार्ट चल सकती आजकल मैं इतनी अंटी खा रही हूँ ना कसम से देखो देखो गाइस गाइस लुक 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 साउथ अफ्रीका ऑर्डर हुई देखो देखो उसको आई मिस दोस लाइफ ऑफ यू प्लीज आयुष बुहारी नानी दर्शन मामा दर्शन ओमदाई वो आयुष एटीएम गया है आएगा थोड़ी देर में Guys, मुझे लगता है कि ना इंशाल्लाह मेरे 1 million YouTube पे जल्दी होने वाले हैं. Do you all remember मैंने क्या बोला था कि मेरे YouTube पे 1 million होगी तो आयुष कहाँ छा ओमदाई वो ATM गया है आता है तो मैं उसको बोलती हूँ वो कॉल कर लेगा सून वैसी लाइफ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह. What? क्यों यो? Bioderma on Sheen. And the real one? Bioderma? Yeah, the one I use. Dikha? No, no, no. That's real. Continue his song. अब तो इस बार सॉन्ग वॉन्ग आएगा ना भैया मैं तो बिल्कुल भी कुछ शादी एग्जैक्टली तुम्हारा तुम्हारा इसका यूजर नेम देखने इधर आकर बोलना बोल नहीं सकती इधर आ जल्दी है कौन हमारे कोई बंदा है ये मैं तो अब कभी भी चश्मा नहीं लगाने वाली लाइफ में तुम लोग बड़े गंदे हो यार तो कभी भी नहीं लगाओगे बड़े गंदे हो तुम लोग भूटान नहीं यार मैं चुप तो भी चश्मा तो मैं कभी भी नहीं लगा शादी हाँ शादी सरीना भी जो ना चुन चुन के पिन करती है शादी मैं तो रेडी हूँ अनपिन कर दे सबको बढ़वाई What? किसने की वाये सिल की ये तो फेक होगी अब तो तुम बोल रहे हो ऑफ कोर्स वो भी फेक है वो भी फेक है यार ये किन्नी आ रही है यार जॉर्जी अरमान जॉर्जी अरमान इसकी एक परफ्यूम इतनी महंगी वो थी ना तेरी 3-4 किडनियां तो जाएंगी ब्रो नहीं ऐसा भी नहीं है अब ओ तो तुम्हारी 3-4 किडनियां है मैं कह रही हूँ मतलब क्या हो गया मेरे पास है प्रोडक्ट एक है उसकी पर यार ऑनेस्टली आई डोंट लाइक जॉर्जी अरमानी की कोई मेकअप प्रोडक्ट मैं बोल रही थी अब तो मतलब मैं सॉन्ग ये वो कुछ भी फ्यूचर में मैं कुछ भी करने वाली होंगी ना मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी भैया इतने कॉपीकैट्स घूम रहे तौबा तौबा हानी तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाली कुछ भी कहीं मेरा गाना आने से पहले अपने गाने में पूरा घुसा लें सारी चीजें मस्तांग चले जाए भैया मैं तो रो हमेशा करती हूँ वो जो लास्ट टाइम से उसने पंगा लिया है ना तो मैं तो अहद कर लिया जब भी लाइफ आऊंगी करूंगी
कोई मिल ही नहीं रहा खेलने के लिए यार। तिवारी सॉन्ग टिकटॉक आपका बहुत अच्छी था। कौन सा? सच्ची कच्ची ना, सच्ची कच्ची ना, सिपे करना वापस, क्या करे कब एक कब वापस दूँगी। गाना लगे कहती हूँ पूरा। जल्दी लगा। अरे आ रहे आ रहे आ रहे। रिकॉर्डिंग करना। बस और नहीं, बस और नहीं होगा प्लीज, और नहीं होगा मुझसे। मैं पाकिस्तान में हर चीज का राज दिमाग का नहीं है यार। माशाल्लाह आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज के डॉक्टर मिलेंगे, बट दिमागी मरीज बहुत घूम रहे हैं। टिकटॉक पर तो ज्यादा है। सेम फिल्टर था ये फिल्टर, अब मैं नहीं पहनूंगी। रोस्टिंग अली से वो काम ही ऐसे ही कर रहे हैं यार फजूल में। यार कोई मिल ही नहीं रहा, मुझे भी दिहाड़ी लगानी थी यार लोगों को बेवकूफ बनाकर। अच्छा हमसे लोग बेवकूफ